बिजली विभाग द्वारा जम्मू में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में स्थानीय लोगों ने पुरानी मंडी में प्रदर्शन किया और प्रशासन से स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर ज्यादा तेज चलते हैं और लोगों को भारी बिल मिल रहे हैं। लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले को रद्द करने की मांग की है। हमारी सभी एसोसिएशन इकट्ठी हो गए मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बिजली डिपार्टमेंट का जो कहर है जो सिर्फ केवल जम्मू वालों के ऊपर ही इस वक्त ढा रहे हैं, वो हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात बोलना चाहते हैं, मनोहर सिन्हा जी को। उन्होंने एक बार पहले बोला था कि जम्मू के लोगों के पास आईफोन है, अगर आईफोन होते तो आज हर गली हर मोहल्ले से प्रोटेस्ट नहीं होते। और दूसरी बात रही ये जो स्मार्ट मीटर का कहर है, आपने स्मार्ट मीटर तो लगा दिए मगर ये जो रीडिंग आ रही है पहले इसके ऊपर तो आपने देखना चाहिए था आपको, वो आपने देखा नहीं। और जम्मू के लोगों की इतनी पे नहीं है, इतने जो यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे इतनी इनकी जो लोग काम करते हैं लोगों की दुकानों पे, सात सात आठ आठ हज़ार पे है और ये पैंसठ सौ सात सात आठ आठ हज़ार बिल आ रहा है। बताओ वो खाना खाएंगे या बिल देंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन मनोहर सिन्हा से एक ही अपील करते हैं, इसके लिए इसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से एक मीटिंग बिठाई जाए और जितने भी ये स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं इसको बंद किया जाए, क्योंकि हमारे जम्मू के लोग स्मार्ट मीटर देने के हक में नहीं है।